क्या नाम है आपका? सचिन पांडे। कहाँ से आए हैं? वो यूपी फैजाबाद। अच्छा, क्या मतलब क्या एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है उसके बारे में आपको पता था कि नहीं पता था पहले? पता था बट मैंने कहा कि यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि हाँ, क्या जानकारी यहाँ पे कुछ जानकारी मिल पाएगी क्या है प्रक्रिया? तो कुछ नहीं। हाँ, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? इजी कोर्सेज। साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में? साइंस स्ट्रीम। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का जो पोर्टल है वो इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करिए। आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। आप इसमें अपना पहला नाम, मान लीजिए आपका नाम राकेश फिर कुमार गुप्ता है तो आप इस तरह से राकेश कुमार गुप्ता लिखेंगे। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ। आप चाहें तो जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ लिख दें, या फिर अगर आपका कोई निक नेम है घर पे आपको जिस नाम से बुलाते हैं वो सिक्योरिटी आंसर में डाल सकते हैं। अपना पासवर्ड क्रिएट करिए। याद रखिए कि ये पासवर्ड आपको कन्फर्म करना है और हर बार जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ये पासवर्ड डालना होगा। और इसका जो सेकंड लास्ट बॉक्स है उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिससे कि हम आपको एसएमएस करके ये बता सकें कि आपका फॉर्म हम तक पहुंच गया है। और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है जो कि कैप्चा यहाँ पर हर बार एक नया नंबर आएगा। ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब आप इसे रजिस्टर क्लिक करेंगे तो आप वापस उसी वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि आपने जहाँ से शुरू किया था वो इस प्रकार होगी। अब मान लीजिए जैसे मैंने एक अपना अकाउंट बनाया है तो मैं इसमें पढ़ता हूँ gstuteja@gmail.com और यहाँ मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ रिमेम्बर भी जिससे कि हमेशा ये याद रखे 168031। ये भरने के बाद आई हैव रेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन इस साइड में दी है उसे आप ज़रूर पढ़ लें, जिसमें हमने ये कहा है कि एप्लीकेंट जो है वो एक ही एडमिशन फॉर्म भरेगा और इसी फॉर्म के अंदर मेरिट बेस्ड भी है और एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स की भी लिस्टिंग की गई है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपने नाम पहले भरा है वही सेव करना है आपको, नाम चेंज करना अलाउड नहीं है। उसी प्रकार से आप जेंडर और बोर्ड का रोल नंबर भी नहीं बदल पाएंगे। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो ये पोर्टल जो है वो लॉक हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि जब तक आपके सारे क्रेडेंशियल्स पूरे ना हो आप इसे ब्लॉक नहीं करिए। और स्पोर्ट्स ECA कश्मीरी माइग्रेंट वार्ड कोटा जो है वो एंट्रेंस बेस्ड के लिए ये कोटा अवेलेबल नहीं है। सो देखिए जिस पर अब आप आ गए हैं इसमें, इसके अंदर जब आप पहुँचेंगे ये इस तरह से कोई फॉर्म आएगा। आप इस फॉर्म में देखिए आप अगर कोई पेमेंट में अगर कोई इशू है तो उनके फ़ोन नंबर दिए गए हैं और ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। आप आई हैव रेड माई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये पढ़ने के बाद ही आप इसे क्लिक करेंगे और आप देखिए इस प्रकार से ये 9 टैब्स आपके सामने आ गए। बहुत स्पष्ट हैं ये। यहाँ पर हम आपके पर्सनल डिटेल्स पूछ रहे हैं। आप आगे जाएंगे यहाँ हमने आपके एकेडमिक डिटेल पूछे हैं। अगर आपने CBSE से पास किया 2017 है या 2016 में पास किया है तो आप अपना रिज़ल्ट पास कर चुके हैं, आप यहाँ पर आकर रिज़ल्ट भर सकते हैं। आगे मेरिट बेस्ड कोर्सेज में अगर आप मान लीजिए कुछ आर्ट्स के कुछ कोर्सेज में भरना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कर दीजिए। कॉमर्स में अगर आपने BCom और BCom में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही मैथमेटिकल साइंसेज में आप मान लीजिए BSc ऑनर्स मैथ्स में भरना चाहते हैं, जितने भी कोर्सेज में आप भरना चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई करिए। वोकेशनल कोर्सेज में भी आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि आपको पूरे इस भरने के लिए भी आपके 150 रुपये ही फीस है, चाहे आप एक कोर्स भरेंगे तब भी आपको उतने ही पैसे देने होंगे। और इस प्रकार से जब मैं इसे सबमिट करता हूँ आप देखिए मैंने टोटल 21 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं। एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में अब अगर आप आएंगे तो आप मान लीजिए मैंने यहाँ पहले ही इसे भर के रखा है तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे यस कर दीजिए, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसे नो करके सबमिट कर दीजिए।
अब मैं इसे दोबारा से भरने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप हमारे यहाँ BMS में इंटरेस्टेड हैं, आप इसे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको, मान लीजिए आप BMS में अपनी एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो BMS, और फिर इसके आगे शहीद सुखदेव कॉलेज मैंने भरा, सेकंड चॉइस में मैंने BMS लिया और दूसरा कॉलेज मैंने गुरु गोविंद सिंह लिया। इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस और कॉलेजेस को भर दीजिए, और इनके लिए क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सो मैं सेंटर भी यहाँ पर भर लेता हूँ। पहला सेंटर मैंने यहाँ पर दिल्ली NCR भरा, दूसरा मैं जयपुर, और तीसरा मैंने मान लीजिए कि चंडीगढ़ भरा। याद रखिए कि आप जितने जल्दी पहले फॉर्म इसे सबमिट करेंगे उतना ही अच्छा है, आपको सेंटर अलॉटमेंट का चॉइस मिलेगी। आप यहाँ पर आप याद रखिए कि आपको या तो ये कोर्स भरने होंगे या फिर नो प्रेफरेंस चूज़ करना होगा। इस प्रकार से आप देखिए, मैंने एक कोर्स में अप्लाई किया है और ये कोर्स यहाँ लिस्ट हो गया है, और यहाँ लिख भी दिया है इन्होंने, यू हैव सेलेक्टेड वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज। स्पोर्ट्स में ठीक उसी प्रकार से आपको भरना है, स्पोर्ट्स और ECA कोटा के लिए भी आपको यहीं पर ही भरना होगा। ECA कोटा भी यहाँ है, देखिए आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, मैंने एक कोर्स में अप्लाई किया हुआ। और आखिरी में आप पहुँचेंगे अपलोड, यहाँ आकर आपको अपने फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर और 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट, और क्योंकि मैंने इसे ECA में भी अप्लाई किया है तो हिंदी और इंग्लिश के जो क्रिएटिव राइटिंग के सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने होंगे। फाइनली आप एप्लीकेशन प्रीव्यू कर सकते हैं, जब आपकी पूरी एप्लीकेशन पूरी हो जाए तो आप पेमेंट के लिए जाएंगे। और अगर आप इस बीच में चाहते हैं कि आप अभी और भरना नहीं चाहते, आप सेव एंड कंटिन्यू लेटर का बटन दबाएंगे, ये वापस आपको यहाँ पर ले आएगा और यहाँ से आप फिर लॉग आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप साइन आउट करके बाहर आ सकते हैं। सर, एक छात्र कितने कोर्स को सेलेक्ट कर सकता है? आप चाहें तो हमारे इसमें 70 कोर्सेज हैं, आप 70 के 70 सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए फीस वही ₹150 होगी। लेकिन अगर आप बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हर कोर्स के लिए ₹500 फीस है। तो आप मान लीजिए जैसे BMS, BBFIA और BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कुल फीस उसकी 500 होगी, और ₹150 आपके मेरिट बेस्ड के लिए, तो कुल मिला के ₹650 फीस होगी। ये मैं जनरल और OBC की बात कर रहा हूँ, SC ST के लिए आप ₹75 एक देंगे और ₹250 एक देंगे, यानी 325। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो हमारे ओपन डेज हैं 21 तारीख से लेकर 29 तारीख कॉन्फ्रेंस सेंटर में, जो कि दो सेशन होंगे, सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और उसके बाद जो सेकंड सेशन है वो होगा 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। आप इन सेशन में आकर अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बता सकते हैं, वरना आप हमें हमारे कुछ ही दिनों में, हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे, जो हमारे कॉलेजेस में हैं वहाँ पर भी हेल्प डेस्क लगाई जाएंगी, वो आपकी मदद करेंगे। ऑन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, आपने अभी देखा मैंने ये फॉर्म भरा, इसमें उनका लिंक नहीं आया था, उसका कारण ये था कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो जब आप फीमेल कोई भी लॉगिन करेगी तो उनको ऑटोमेटिक ये दिखाई देगा, और इसमें जो ऑप्शन BA और BCOM के वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हैं। आपकी एप्लीकेशन अगर आप उसमें फ़ी पे करते हैं ₹150, जो कि कुल मिला के सभी कोर्सेज के लिए, तो उसमें अपने आप ही एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड जो है सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसी जो कठिनाई है वो ना स्टूडेंट फेस करें, उसके लिए सभी जो लामबंद इंतज़ाम है वो कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अब आगे देखना होगा कि वेबसाइट सुचारू रूप से चले, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत लोड भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। देखिए, हेल्पलाइन स्टूडेंट्स जो हैं हमें 2700-6900 पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप हमें ईमेल करिए, ईमेल के जवाब बहुत जल्द से जल्द दिए जाते हैं।